मेरी बहनों, क्या तुम जन्नत में जाना चाहती हो? जन्नत में जाने के लिए चार काम औरत को करने होंगे। अगर कोई औरत ये चार काम कर लेती है, इंशाअल्लाह ताला वो जन्नत में ज़रूर जाएगी। और ये चार काम मैं नहीं बता रहा हूँ, बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की औरतों के लिए बताए हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो औरत पांच वक्त की नमाज की पाबंदी करे, रमज़ान के रोज़े रखे और अपने बदन को गैर महरम मर्दों से छुपाए और अपने शौहर की ताबेदारी करे और उसको खुश करके मर जाए, तो वो जन्नत में ज़रूर जाएगी। जो औरत ये चार काम करेगी, जन्नत के आठों दरवाज़े उस औरत के लिए खोल दिए जाएंगे। फरिश्ते उस औरत से कहेंगे कि ए खुशनसीब बीवी, तुम्हारा दिल जिस दरवाजे से चाहे उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाओ। देखा मेरी बहनों, कोई इतने मुश्किल काम भी नहीं है जिसको आप ना कर सके, जिसको कोई औरत ना कर सके। बहुत आसान काम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए हैं। जन्नत में जाना कितना आसान है। याद रखो, ये दुनिया एक दिन छोड़ के जाना है और मरने के बाद वही काम आएंगे जो आमाल प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को बता दिए हैं। मेरी बहनों, पांच वक्त की नमाज ये हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर 24 घंटे में फ़र्ज़ है, किसी भी सूरत हाल में माफ़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पांच वक्त की नमाज की पाबंदी करे, अल्लाह सुबहान व तआला अपनी ज़िम्मेदारी पर उसे जन्नत में दाखिल कर देता है। रमज़ान शरीफ सारे महीनों का सरदार, सबसे अफजल महीना रमज़ान का महीना है। जिसने रमज़ान के रोज़े रखे उसने अल्लाह को पा लिया। और तीसरा अल्लाह के रसूल ने काम बताया, वो ये कि अपने बदन को गैर महरमों से छुपाना। मेरी बहनों, औरतों के लिए सबसे ज़्यादा अहम व ज़रूरी पर्दा है। औरत का गहना पर्दा है। मेरी बहनों, जो औरत अपने बदन को गैर महरमों से छुपाएगी, अल्लाह सुबहान व तआला उसको जहन्नम की आग से बचा लेगा। और चौथा काम रसूल पाक ने फरमाया कि अपने शौहर की ताबेदारी करना, अपने शौहर की खुशनुदी ढूंढना, जिस काम से शौहर राज़ी हो उस काम को करना, शौहर की इताअत व फरमा बरदारी करना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरत को करता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। मेरी बहनों, शौहर का मर्तबा बड़ा ऊंचा है। कोई औरत कितनी ही इबादत करती रहे, हत्ता कि मरियम अलैहिस्सलाम जैसी इबादत करे, अगर उसका शौहर नाराज़ है तो वो जन्नत में ना जा सकेगी। अल्लाहु अकबर। मेरी बहनों, अल्लाह से डरो, अपने शौहर को कभी नाराज़ ना करो। ये चार काम बड़े ही आसान काम हैं, जो औरत कर लेगी वो जन्नती बन जाएगी। मेरी बहनों, वक्त अब भी है, तौबा के दरवाज़े अब भी खुले हुए हैं। तौबा करें, अपनी ज़िंदगी को बदले और आज से ही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर